मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विपेशना कार्यक्रम पूरा हो गया है। शनिवार को वह पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ होशियारपुर के विपेशना केंद्र से रवाना हो चुके हैं। बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल 19 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक विपेशना ध्यान पर थे, लेकिन इस बीच कई सवाल उनको लेकर खड़े हुए ईडी की कार्रवाई को लेकर कि 30 जनवरी को पेशी है लेकिन अरविंद केजरीवाल गायब हुए हैं, तो क्या वह ईडी के समन से भाग रहे हैं या सचमुच विपेशना में ही गए थे। तो इस बीच आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपेशना साधना के बाद अपने पोस्ट एक्स पर में लिखा कि 10 दिन की विपेशना साधना के बाद वहां से वापस लौटा। इस साधना से असीम शांति मिलती है, नई ऊर्जा के साथ आज फिर से जनता की सेवा में लगेंगे, सबका मंगल हो, ये उनका पोस्ट था। इससे पहले सीएम भगवंत मान उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। पंजाब के सीएम को 30 दिसंबर को आना था लेकिन वह एक दिन पहले ही होशियारपुर पहुंच गए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आनंदगढ़ के विपश्यना मेडिटेशन सेंटर से सीधे चौहाल पहुंचे, जहां सीएम मान ने उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम का विपश्यना में जाने से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में समन जारी किया था। उन्हें 21 दिसंबर को ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा था। इसके जवाब में सीएम ने ईडी के समन को गैरकानूनी करार देते हुए विपश्यना के लिए निकल गए थे। उसके बाद ईडी ने तीसरी बार सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया। ताजा नोटिस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल से 3 जनवरी 2024 को ईडी दफ्तर में पूछताछ में शामिल होने को कहा। अब देखना यह है कि सीएम 3 जनवरी को बातचीत के लिए ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं। फिलहाल तो ईडी दफ्तर जाने का कोई विचार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साफ कहा कि जो ये समन बार बार आ रहा है, ये कोई कानूनी समन ज्यादा नजर तो आ ही रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पार्टियों की मिलीभगत नज़र आ रही है, बीजेपी की खासकर। तो ये सीधा आरोप लगा दिया उन्होंने कि यह है राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए समन भेजा जा रहा है, ना कि कोई कार्रवाई के लिए। अगर कार्रवाई करनी होती तो अब तक ये सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी कर चुके होते। देखते हैं इस मामले पर केजरीवाल का क्या फैसला रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।